आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक फ्लावर पॉट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हमें चाहिए कप और हम इस पेंसिल से इसके यहाँ पे मार्क कर देंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इस कट का जो ये ऊपर का है वो मैंने कट कर लिया। अब आप अपने फेवरेट का कोई भी मनपसंद क्राफ्ट पेपर ले लीजिए और है ना, आप इसे इसके ऊपर स्टिक कर लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसे स्टिक कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, सो अभी हमें ये देखिए जो हमने कप के ऊपर का जो स्ट्रिप काटा था हमें ये यूज़ करना है। तो हम इसके ऊपर कोई भी पेपर स्टिक कर सकते हो या फिर आप इसे कलर कर सकते हो, बट मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इसे प्लेन ही रखूँगी। तो चलो अब हम इसे स्टिक करेंगे कप से। सो गाइज, आप इसे ग्लू से स्टिक भी कर सकते हो या फिर आप स्टेपलर से भी कर सकते हो। मैंने एक बार ट्राई किया था बट वो ग्लू से नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर स्टेपलर से करूँगी। इस तरीके से हमें ये स्ट्रिप रखना है यहाँ पे और हम इसे ये कुछ इस तरीके से हम इसे स्टेपल कर देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसे स्टेपल कर दिया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हम और रेडी कर देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने ये सारे तैयार कर दिए। तो अब हम इसे बस डेकोरेट करेंगे। सो गाइस, ये मैंने लिए कुछ डायमंड्स, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने इसे कितने अच्छे से इसे स्टार से डेकोरेट किया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ फ्लावर्स या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या डाल सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कप लिया है और मैंने ये मार्बल पेपर्स लिए हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे आते हैं और ये वाले पेपर, ये कुछ ऐसे आते हैं। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे, जैसे कि मैं ले रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें से ले लिया ऐसे। अब हम इसे ये ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये कुछ ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हम ये जो कप है ना उसके अंदर ये कुछ इस तरह के से कलरफुल होते हम लोग इसे डालेंगे। तो ये क्या डाल दीजिए, ये देखिए मैंने इसमें आप देख सकते हो मैंने ये जो भर दिया है। ऐसे ही हम ये जो सारे कप्स हैं उसमें हम ऐसे भर देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इन सारों में ऐसे मार्बल पेपर भर दिए। अब हम इसके अंदर एक एक फ्लावर्स रखेंगे। सो गाइस, अब हम बनाएंगे ये जो कप है उसके अंदर हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो ये फ्लावर्स बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे कप्स चाहिए होंगे जो कलरफुल हो। ये देखिए, ये सब जगह कलरफुल है। कुछ इस तरीके से मैंने 5 कप्स लिए क्योंकि लिए मेरे पास ऐसे जो मैंने डेकोरेट किए हुए बनाए वो भी मेरे पास 5 कप्स है। तो अभी हमें इसको भी क्या करना है, जो ऊपर की ये जो स्ट्रेंथ है हमें उसे काटना नहीं है, हमें बस इसे, मैं आपको बताती हूँ, हमें ना ये कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप रख के हमें ये ऐसे सारे ये कुछ ऐसे स्ट्रैंड्स काटने हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसे ये ऐसे एक एक करके काट लिया है। तो अब हमें करना क्या है, ये ऐसा हमें सारे दूर करने हैं और ये कुछ इस तरीके से हमें ये प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये कितना मस्त फ्लावर जैसा हो गया है। तो ये देखिए, ऐसे मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, जितने हमारे फ्लावर्स हैं जितने हमारे फ्लावर पॉट्स हैं। तो ये देखिए, अब हमने ये सारे बना दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब हम ये अपने जो सारे फ्लावर पॉट्स हैं हम ये इसमें एक एक करके ये सारे कुछ इस तरीके से हम इसमें रख देंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे रख दिया है। और अब मैं आपको एक बताती हूँ उठा के, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस अब हम कुछ ऐसे कर दिया। अगर अब मैं आपको और एक बताती हूँ, मीन्स इसमें आप और अच्छा से क्या कर सकते हैं। ये हमने ये जो एक कप लिया है ऐसे हमने इसे ले लिया है, और ऐसे एक आप स्टिक कीजिए और फिर आप एक को छोड़ के वापस एक ऐसे स्टिक कीजिए। मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैंने इसे स्टेपल किया है एक एक, ये देखिए बस मैंने ये एक ऐसे एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे ऐसे बस मैंने स्टेपल किया है। और अगर मैं एक एक करती तो बहुत ही टाइम लगता। आप देख सकते हो कितने पतले पतले हैं, मीन्स कितने थिन थिन है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। बाय। और हमारा